एक्चुअली बीच में ये हुआ है कि जो हमारी बीजी जो है उनको जो मेरे चाचा है वो प्लान बनाते हैं और उनको सीढ़ी से नीचे गिरा देते हैं, तो वो अभी फिलहाल ना हिल सकती है ना बात कर सकती है, वो पैरालिसी हो चुकी है एंड वो बेड पे ही है, ना उठ पाती है, कुछ नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर आए थे तो उन्होंने कहा कि ये कब इनको होश आएगी वो कुछ उस मामले में हम बता नहीं सकते। तो चाचा ने अभी ये इल्ज़ाम लगाया है मेरी मम्मी पे, अम्बा पे, कि उन्होंने मेरी दादी को सीढ़ियों से गिराया है, क्योंकि उनके और हरजीत का जो अफेयर है उसके बारे में मेरे दादी को पता चल जाता है, जो कि सच नहीं है, जो कि जगन का एक प्लान है, मेरे चाचा का एक प्लान है। तो हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया है, मुझे, मन्नू को, गुंजन को एंड अम्बा को। सो नाउ वी आर स्टेइंग इन गोडाउन एंड इट्स अ हॉरिबल एक्सपीरियंस, बिकॉज हम ना खा पा रहे हैं ना ही हमें कहीं पे खाने को मिल रहा है, हम 3 दिन से भूखे हैं। सो अम्बा की जो 3 बेटियां हैं वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, अम्बा कैसे सर्वाइव कर रही है, सो दिस इज द होल स्टोरी राइट नाउ इज गोइंग ऑन। सो आई होप ऑडियंस को पसंद आएगा। एंड जगन जो है, चाचा जो है, वो बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं और आगे और भी आपको ऐसे सस्पेंस दिखने को मिलेंगे जहाँ पे हम लोगों को और भी ट्रबल में गिराया जाएगा, हम शायद और भी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि चाचा जो है अभी वो गोडाउन में हमारे घर पे आके वो बोल रहे हैं कि अगर तुम लोगों को खाना वगैरह खाना है तो खुद के घर पे आके बर्तन वगैरह माजो, एंड क्योंकि मैं शाह बनने वाला हूँ, सो मैं एक अपने साइड से एक जलसा निकाल रहा हूँ, जलसा दे रहा हूँ, तो आप लोग आना पड़ेगा एंड वहाँ पे आके आप खुद के घर पे आके काम करो, जो कि हम लोग कर रहे थे। मैं और गुंजन अपने घर पे ही जाके बर्तन माज रहे थे, मम्मी खाना बना रही थी, मन्नू झाड़ू पोछा कर रहा था, तो वो सब कुछ हो रहा था। सो राइट नाउ वी आर इन ट्रबल एंड दिस इज अ स्टोरी, दिस इज गोइंग ऑन। साइन का ये है कि जगन जो है उनके पास एक फाइल है जो कि टेंडर का फाइल है, तो वहां पे वो चाहता है कि मम्मी साइन करे वहां पे ताकि उनको वो चीज मिल जाए और वो शाह बन सके, बट मम्मी है कि वो नहीं करना चाहती है। तो मन्नू ने अभी एक प्लान बनाया है जो कि शायद सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो लेट्स सी, आई होप कि ना सक्सेसफुल हो चाचा। दीपावली का जी 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 वारिस वारिस की तरफ से मैं सब ऑडियंस को यही बोलना चाहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारा शो देखते हैं एंड हमें इतना प्यार दे रहे हैं, एंड दीपावली वली के लिए आपको सबको शुभकामनाएं, आप लोग बहुत खुशी से मनाएं ये उत्सव एंड पटाखे वगैरह थोड़ा कम जलाएं, एंड एनिमल्स जो लवर्स है एंड जो नहीं भी है, मैं चाहती हूँ वो लोग एनिमल्स का ध्यान रखें कि उनके साथ ये सब चीजें ना हो, वो पटाखे से बहुत डरते हैं। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से एंड हैप्पी दीपावली, थैंक यू। बाबा रे बाबा, उस दीदी का मुंह देखने लायक था। अरे मम्मी, मतलब मैं
काम नहीं करूं। बाबा रे बाबा, उस पिद्दी का मुंह तो देखने लायक था। अरे वाह मम्मी, की कर? मैंने तो पहली बार पता चला। तुसी ना, तुम ही लोग मेरी मम्मी हो। तुम आ लो। बाबा रे बाबा, उस पिद्दी का मुंह तो देखने लायक था। अरे मम्मी, और की कर? और दूसरा बरका चाल हम तब खेले जब उस मन्नू के हाथ में मामान जी का फाइल दिए हरजीतवा के यहाँ रखने के लिए। उस फाइल के अंदर मनुआ सोच रहा कि मोहम्मद मनुआ सोच रहा कि मामान जी की फाइल तिजोरी। दूसरा बर का चाल हम तब खेले जब उस मनुआ के हाथ में ममान जी का फाइल दिए हरजीतवा के यहाँ रखाने को। और उस फाइल में ऊपर में हरजीतवा का नाम का कागज डाल दिया था। वो मनुआ सोच रहा कि ममान जी की फाइल तिजोरी में है, इसलिए तिजोरी की चाबी जानबूझकर मनु के देखा देखी में हम वही छोड़ा है। अब बाकी तो सब जानते हैं, हमरे मामान जी एकदम भोका काट दिए, चंडे पर जीत के लाए भाई। सही में सासू माँ, पहली बार ना पतक बढ़ने में मजा आया। सही बात है सासू माँ, पहली बार जिंदगी में पत्तक बनने का मजा आया है। मम्मा जी, ऐसा चलता है पत्तक? कर। अरे क्या मेरे को बोल रही है? रेडी हो गया। रेडी? वन टू थ्री ऐसे ऐसे करके ऐसे पैनिंग करो फिर यहाँ पे आओ। जी के नाम हो जाए। मम्मा को हरा। मम्मा जी के नाम हो जाए उस आप। अरे हम सब यहाँ हमारे